हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या है बेटा, जब भी हम नंबर्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर रहे हैं बाय सम डेफिनाइट रूल और बाय सम डेफिनाइट ऑर्डर, उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे मानो मेरे पास एक, देखो मैं आपके सामने एक नंबर की अरेंजमेंट लिख रहा हूँ, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 एंड सो ऑन, ये बन गया सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी नंबर की अरेंजमेंट बाय सम डेफिनाइट रूल। जैसे अभी देखो, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, डॉट डॉट डॉट। सर क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे 2 की पावर राइज कर रहा हूँ, एक पैटर्न बन रहा है पैटर्न, तो इसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, सीक्वेंस तो पता चल गया कि सीक्वेंस में क्या होता है सर, नंबर को हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया होता है बाय सम रूल और बाय सम प्रॉपर्टी। अच्छा, अभी सर हमारा टारगेट है एपी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलना है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलना है। तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे बोलते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस जिनके अंदर कॉन्जिगेटिव दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे सर कॉन्जिगेटिव टर्म क्या है, कॉन्जिगेटिव टर्म मतलब लगातार आने वाले टर्म। जैसे मैंने इस सीक्वेंस में आपको बोला कि मुझे दो कॉन्जिगेटिव टर्म बताओ, तो ये देखो 4 और 6। अभी और मैं आगे अगर 10 लिख रहा हूँ, और दो कॉन्जिगेटिव टर्म बताओ, सर 8 और 10। कॉन्जिगेटिव यानी लगातार आने वाले, लगातार आने वाले टर्म्स। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे, ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे जिसके अंदर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो। जैसे मानो यही वाला ऊपर वाला सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, 10, किसी भी दो नंबर, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड करो। जैसे मानो इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये बन गई बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।